हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक भी पूरे दमखम के साथ बीजेपी उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ झज्जर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यहां सीएम योगी ने राहुल गांधी और हुड्डा सरकार दोनों पर जमकर निशाना साधा। खट्टर सरकार ने इस बार 75 पार का नारा दिया है। इस नारे को सच्चाई में बदलने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। हरियाणा में एक बार फिर खट्टर सरकार बनाने के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हरियाणा के रण में हैं। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ शनिवार को झज्जर पहुंचे, बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर राकेश कुमार के समर्थन में जनसभा की। क्या देश के अंदर आतंकवाद आपको पसंद है? क्या आतंकवाद होना चाहिए? नक्सलवाद होना चाहिए? बेमानी और भ्रष्टाचार होना चाहिए? आप मना कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इसका समर्थन करती है। कांग्रेस के समय में बड़े बड़े घोटाले हुए, टूची का, कॉमनवेल्थ गेम्स का, दामाद जी का। दामाद जी ने उनके बहुत सारी जगह आपके यहां जमीन हथिया ली, गरीबों की, गुड़गांव में, पंचकूला में, ये सारी जगह कांग्रेस की विरासत है। बेमानी और भ्रष्टाचार उनके डीएनए में घुस चुका है। कांग्रेस और हुड्डा सरकार पर धारा 370 का वार करने के बाद योगी ने रॉबर्ट वाड्रा पर भी निशाना साधा। योगी ने कहा कि हुड्डा सरकार में दामाद जी यानी रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा में जमकर जमीनों पर कब्जा किया। सियासी तीर चलाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने झज्जर की जनता से विकास के लिए बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राकेश कुमार को वोट देने की अपील की। कश्मीर में धारा 370 हटाने का विरोध दो जगह से हुआ, या तो पाकिस्तान ने किया या फिर राहुल गांधी ने किया। आप अनुमान कर सकते हैं जो देश के लिए खतरनाक है वो राहुल गांधी के लिए अनुकूल कैसे माना जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने सबके बावजूद धारा 370 का विरोध किया, किस धारा को नहीं हटाया जाना चाहिए। आप सबसे मेरी अपील है, डॉक्टर राकेश कुमार को कमल चुनाव चिन्ह पर 21 अक्टूबर को भारी मतों से विजयी बनाएं। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने धारा 370 को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। इसके अलावा बीजेपी खट्टर सरकार की कई कामयाबी के दम पर हरियाणा में दूसरी बार सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। टोटल न्यूज के लिए झज्जर से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट।